नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पेगासस जासूसी केस में फ्रांस की सुरक्षा एजेंसी ने दो पत्रकारों के फोन में पेगासस स्पाईवेयर की पुष्टि की है। इसी के साथ किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा वैश्विक स्नूपिंग घोटाले की दुनिया भर में पहली पुष्टि है। फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी यानी ANSSI ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया पार्ट ने बताया कि ANSSI द्वारा की गई स्टडी रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब के निष्कर्षों के समान ही है, जिसमें पेगासस द्वारा जासूसी की सच्चाई, इसके तौर तरीकों, तारीख और समय के बारे में जिक्र किया गया है। मीडिया पार्ट उन 17 इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है जो इस जांच को प्रकाशित कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल मालवेयर का उपयोग करके स्मार्टफोन को हैक करने के लिए किया गया। ये स्पाईवेयर फोन के मैसेज पढ़ने, कॉल रिकॉर्ड करने और माइक्रोफोन को गुप्त रूप से सक्रिय करने में सक्षम बनाता है। भारत में इस साजिश का खुलासा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ का भारतीय मीडिया आउटलेट द वायर के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मंत्रियों और पत्रकारों के फोन पेगासस जासूसी के संभावित लक्ष्य थे। इस विवाद ने विपक्ष द्वारा सरकार पर आक्रामक हमलों को हवा दी है और संसद में गतिरोध ला दिया है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे किसी तरह के जासूसी घोटालों को खारिज किया है। इसके साथ ही सरकार ने सरकार के अंदर और सरकारी एजेंसियों के अंदर भी स्पाईवेयर के इस्तेमाल की जांच की मांग को खारिज किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।